पहले पति लोग बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन अब कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा लगता है उन लोगों को, अच्छा काम कर रहे हैं। तो नहर से पानी ले आए, नहर से चेक डैम भरो, फिर चेक डैम से अपनी खेती खेत में पहुंचाओ पानी। ये चेक डैम बन जाएगा, जो आसपास की जमीन है इसमें पानी रुकेगा तो एक कुओं में भी पानी आएगा और खेतों की सिंचाई भी होगी। पानी सहेली का तात्पर्य है कि हम लोगों ने जब शुरुआत की थी पानी पर महिलाओं की प्रथम अखदारी परियोजना की, तो गांव-गांव में जाके हम लोगों ने सबसे पहले खुली बैठक की महिलाओं के साथ में। तो महिलाओं का एक मुद्दा होता है पानी को लेके, सुबह से लेके शाम तक महिलाओं का पूरा काम होता है पानी को लेके। तो हम लोगों ने महिलाओं से बात की और बात करने के दौरान उसी में से जल सहेलियों का सिलेक्शन किया कि महिलाओं को हम जल सहेली बनाएंगे और जल सहेली के माध्यम से गांव की जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं को हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे। पानी के लिए जब बहनों को बड़ी परेशानी थी तो हम लोगों ने सबसे पहले परमार्थ से कुआं बनवाया था, मतलब कुआं बनवा के इसके बाद में फिर हमारी और जो सिंचाई के लिए समस्या थी तो हम सभी गाँव वालों ने जुड़ के श्रमदान से चेकडम बनवाया था। बीस ग्राम पंचायत के 40 गांवों में पानी पंचायत समिति का गठन किया गया, जिसमें कि 110 जल सहेली हैं। उस 110 जल सहेलियों का एक नेटवर्क बनाया गया, जिस नेटवर्क की मीटिंग हर 25 तारीख को तालभेट में होती है। और वे नेटवर्क सिर्फ अपने गांव के लिए नहीं, पूरे जितना आसपास का क्षेत्र है सबके लिए काम करता है, जिसमें निम्न मुद्दे पानी, स्वच्छता, आजीविका, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके सब, मतलब मेन फोकस इसी पे है। मेरा काम है गांव में साफ सफाई बहनों के साथ बैठ के देखना, और जैसे कोई राशन कार्ड वगैरह नहीं बनते हैं तो वो देखना बहनों के साथ बैठ के, और ब्लॉक स्तर पे ले जाना, वहाँ पे कार्रवाई करना, और अगर वहाँ से काम नहीं चलता है तो जिला स्तर पे भी हम लोग जाते हैं। आसपास के इसमें क्षेत्र में जो काम हुए, करीब 28 चेक डैम बनाए गए संस्था से, जिसमें गांवों में लोगों ने श्रमदान किया अपने, उससे उसके लिए रिपेयरिंग मेंटेनेंस फंड के नाम से एक कमेटी बनाई गई और उसमें फंड भी इकट्ठा करवाया गया भविष्य में टूट फूट के लिए लोग क्या करेंगे और पानी का समान बंटवारा कैसे होगा। शुरुआती दौर में काफ़ी कठिन हुआ, क्योंकि हर जगह पर यही सवाल होता था कि आप महिलाओं के साथ क्यों बात करना चाहते हो, महिलाओं को क्यों जोड़ना चाहते हो, महिलाओं का क्यों संगठन बनाना चाहते हो। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जब देखा कि महिलाएँ जो जुड़ी, सीखी और उन्होंने अपने सामूहिक रूप से मिल करके जिस तरीके से अपने गाँव के विकास को लेकर और खास करके पानी के प्रबंधन को लेकर के जो काम किए, उसमें उन महिलाओं के प्रयासों को बहुत सारे लोग ऐसे थे जो धीरे धीरे उसमें साथ जुड़ते गए, खास करके युवाओं का इसमें बहुत सहयोग रहा। करीब एक साल लग गया था यहाँ पे बदलाव आने में, लेकिन हाँ जब धीमे धीमे बहनों को लगा कि हम इसमें हमारा ही फायदा है, हम लोग बाहर निकले बैठे हैं, अच्छे लोगों में उठना बैठना हुआ, और जब पुरुष लोगों ने देखा तो अपने आप समझ में आ गया कि नहीं, कोई गलत काम नहीं कर रहे, अच्छा ही काम कर रहे हैं। इससे हमें इतना फ़ायदा हुआ कि मवेशियों को पानी पीने के लिए हो गया है, दूसरी बात सिंचाई के लिए पानी कम पड़ता है उसमें भी यूज कर लेते हैं, वाटर लेवल भी बड़ा है गांव का। सबसे बड़ा फायदा ये है गांव के जो खाली जो हैडपम्प थे वो फरवरी में ही मतलब सूख जाते थे, मतलब उनका पानी नीचे चला जाता था, लेकिन इस साल चेक डैम भर जाने के कारण सर खूब निकला पानी। देखिए संरचनाएं जो हैं वो जो क्लाइमेट चेंज का जो एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, निश्चित रूप से कम्युनिटी को कोप करने में उससे मदद मिलेगी, क्योंकि पानी का जब संग्रहण होगा, भंडारण होगा और सही तरीके से वो यूटिलाइज होगा, क्योंकि हमने इस पूरे प्रोजेक्ट में जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के साथ साथ में जो दूसरा कॉन्सेप्ट कम्युनिटी के बीच में लेकर के आए वो इफिशियंट यूज़ ऑफ वाटर का है। इस तरीके की बहुत सारी जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स अडॉप्ट हुई हैं, जिनका लॉन्ग टर्म में ये जो क्लाइमेट का जो रेजिलियंस है वो रेजिलियंस बढ़ेगा कम्युनिटी में, निश्चित रूप से उसको कोप कर पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है।
आगे बढ़ना चाहिए महिलाओं को, आगे बढ़ना चाहिए और साथ में हम लोग को भी बैठना चाहिए जिसमें हमें भी कोई उस चीज़ का राइस मिले।